नमो भगवती वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 28वें अध्याय का पाठ। इससे पहले के अध्याय में हमने श्रवण किया था माघ मास महात्म्य के 27वें अध्याय का पाठ। उस पाठ में हमने जाना लोमेश ऋषि के मुख से एक ऐसी मधुर कथा जिसे सुन करके अमृत का मानो पान कर लिया हो। एक ऐसे अमृत कथा का हमने श्रवण किया जिसे सुन करके पाप रूपी समुद्र से जैसे मानो हम सभी पार हो गए हों। एक ऐसे कथा का हमने श्रवण किया जिस कथा के श्रवण करते ही मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। माघ मास में जो व्यक्ति गंगा और यमुना की संगम पर स्नान करता है वह सभी प्रकार के पाप योनियों से मुक्त हो जाता है, ऐसी कथा का हमने श्रवण किया। जो भी व्यक्ति माघ मास में स्नान करता है, स्नान के नियमों का पालन करता है, उसने यदि जघन्य से जघन्य भी अपराध किया हो या फिर जाने अनजाने में भी उससे कोई पाप हो गया हो तो वह सभी भी माघ मास में स्नान करने से धुल जाते हैं। इस मास में स्नान की महत्ता तो इतनी अधिक बतलाई गई है जिसके श्रवण मात्र से ही अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जो मास के इतना अधिक महत्व बतलाया गया है, जिस मास की इतनी अधिक महत्ता है, उस मास में क्यों ना हम सभी स्नान करें। आज के इस वीडियो में हम माघ मास महात्म्य के आगे की कथा श्रवण करेंगे और भगवान श्री हरि की लीलाओं को जानेंगे। बिना भगवान श्री हरि के कृपा के पात्र के मनुष्य इस भव सागर से पार नहीं पा सकता है। भव सागर से यदि पार लगना है, हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति यदि आप चाहते हो, तब माघ मास के स्नान का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। आइए सबसे पहले भगवान श्री गणेश का हम ध्यान करेंगे और फिर कथा आरंभ करेंगे। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वशिष्ठ जी आगे कहते हैं, हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह सहित अच्छोद सरोवर में स्नान करके सुख पूर्वक मोक्ष को सभी प्राप्त हुए। तब लोमेश ऋषि आगे बताते हैं, संसार रूपी इस तीर्थ राजा को सब श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवता देवी आनंद पूर्वक आकर के रहते हैं। यह एक ऐसा वट है जो कि अक्षय है, जिसकी कहीं कोई समाप्ति नहीं है। इनकी जड़ें पाताल तक गई हैं और मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समय भगवान के इसी आश्रय का सहारा लेते हैं, भगवान के इसी अक्षय वट का आश्रय लेते हैं। यही शिव जी की प्रिय भगवती भगीरथी है, जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग के हेतु पताका है, इसका जल पीकर ही मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। हे मुनिराज, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई प्राप्त करते हैं। इसका संगम बड़े पुण्य से ही किसी को प्राप्त होता है। इसके जल से जन्म मृत्यु रूपी दावानल से कभी कोई नहीं तपता, परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति को जरूर प्राप्त करता है। यहाँ स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के भी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा जाहिर की थी। पुराणों में ऐसा वर्णित किया गया है कि भगवान विष्णु ने जब स्त्री प्राप्ति की इच्छा रखी, तब माघ मास के इसी संगम में स्नान करके माँ लक्ष्मी को उन्होंने प्राप्त किया था पत्नी के स्वरूप में। यहीं पर भगवान शिव ने त्रिपर दैत्य को मृत्यु के घाट उतारा था और प्राचीन काल में उर्वशी सुनाम की अप्सरा स्वर्ग से यहीं पर उतरी थी तथा स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ पर ही उसके स्नान करने से नहुष कुल के राजा ययाति ने वंशधर पुत्र की प्राप्ति की थी।
सोचो इस मास की कितनी अधिक महत्ता है। जिस मास में स्नान करने से इतने सारे पुण्य फलों को व्यक्ति प्राप्त करता है। यहाँ पर ही इंद्र ने प्राचीन काल में स्नान किया था धन की इच्छा को लेकर के, और माया से कुबेर के सभी धन को प्राप्त कर लिया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक प्रयाग में ही निराहार रह करके उत्तम धर्मों का पालन किया था। यहाँ से जगास्व सन्यासी ने महादेव जी की जैसी शक्ति वाले से ही विजय की प्राप्ति की थी तथा अनिमा और आदि ऐसे कई दुर्लभ योग की प्राप्ति की थी। इसी योग और इसी स्नान के प्रभाव से ही ऐश्वर्य की ऐसी प्राप्ति हुई जो कि दुर्लभ मानी जाती है। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज सप्त ऋषियों में सम्मिलित हो गए। उन्होंने भी यहाँ पर स्नान किया और उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जिसने भी माघ मास के नियमों का ध्यान करते हुए स्नान किया है उसे सभी प्रकार के वैभव प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारे विचार से तुम भी त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले किए हुए जो भी तुम्हारे पाप हैं वह संपूर्ण नष्ट हो जाएंगे और सभी प्रकार के वैभव की प्राप्ति होगी। तब ऋषि के इस प्रकार के वचन को सुनकर के सब त्रिवेणी में स्नान करने हेतु गए और उसी स्नान करने से सबकी पिशाचिता नष्ट हो गई, श्राप से विमुक्त हो गए और फिर उन्होंने अपने दिव्य शरीर को धारण कर लिया। वेद निधि ने अपनी संतान को देख करके प्रसन्न चित्त होकर के लुमीस जी को संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही हम सभी पाप से विमुक्त हुए हैं। अब आप ही इन बालकों को योग्य धर्म के बारे में कहिए। लुमीस ऋषि जी ने कहा इस युवक कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसलिए इन कन्याओं के प्रीति पूर्वक कर कमलों को अब इन्हें ग्रहण करना चाहिए। तब लुमीस ऋषि के द्वारा तथा अपने पिताजी की आज्ञा से इन पांचों ब्रह्मचारी ने पांचों कन्याओं से विवाह कर लिया, जिससे कन्याओं के भी सभी मनोरथ पूर्ण हुए और वह भी उद्धार को प्राप्त हुई। जिसके घर में लिखा हुआ यह महात्म्य पूजा जाता है तथा जहाँ पर श्री सत्यनारायण जी की पूजा होती है, जहाँ पर विष्णु नारायण जी की पूजा होती है, जहाँ पर श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, पुष्कर तीर्थ प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में या फिर काशी में इसका पाठ किया जाता है, वह संपूर्ण तीर्थों के फल को देने वाला हो जाता है। वह घर सभी प्रकार से पाप मुक्त हो जाता है। वहाँ पर सदैव सत्य कर्म ही होते हैं तथा अधर्म का नाश होता है। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर यदि कोई इसका पाठ करता है तो इससे दोगुने फल की प्राप्ति होती है और मरने के बाद वैष्णव पद को वह प्राप्त होता है। बोलो स्वामी नारायण भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय। दोस्तों इस प्रकार से आज हमने सुना माघ मास महात्म्य के 28वें अध्याय का पाठ। भगवान श्री हरि की लीलाओं का ध्यान करने से, नामों का स्मरण करने से या फिर उनके नामों का ध्यान करने से भी मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। जिन प्रभु की लीलाओं का यदि व्यक्ति स्मरण करता है या फिर किसी दूसरे को वह इस प्रकार के पाठों को सुनाता है या स्वयं सुनता है, भक्ति भाव के साथ भगवान ठाकुर जी की उपासना करता है, लल्ला के किसी भी रूप की पूजा करता है, वह निश्चय ही सभी प्रकार के दुखों से पार लग जाता है। ठाकुर जी आपके एक हाथ बढ़ाने का इंतजार करते हैं, वह अपने सभी कुछों को भक्तों पर न्यौछावर कर देते हैं। जिससे प्रभु की इतनी लीला इतनी महत्ता, उनके बारे में भला क्या कहा जाए। एक मुख क्या हजारों मुख से भी उनकी लीलाओं का वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हमने पूरे माघ मास के महात्म्य का श्रवण किया है। कल हम नए वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें।